ये लड़की का जूता क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ? ये मेरी पर्सनल लर्स के जूते हैं। बाप बेटे, घर वाली भी और बाहर वाली भी, बड़ा हरामी है तू। शायद ये काम किसी छोटे से पिद्दी ने किया है। मुझे क्या घूर रहे हो, तू ही है वो पिद्दी। हाँ तो मम्मी की गलती है, मुझे कॉम्प्लेन पिलाना भूल गई, इसीलिए मेरी हेड छेपुटी रह गई। भाई तो तुम चिंता मत करो, कॉम्प्लेन की बोतल हम तुमको ला के देगा। चॉकलेट फ्लेवर चाहिए? ये गरीब लोगों के नखरे नहीं मिलेगा भाग्या से। सुन बे अंकल। अंकल किसको बोला बे? तेरे को बोला बे, चार फुटी, तेरे को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? दिल तो बच्चा है और बच्चों का दिल बदतमीज, तो बदतमीज दिल माने ना माने ना। ठर की गई का तू ने क्या? अपुन का तो करेक्टर ही ढीला है। इतनी बड़ी दुकान, हाय ला। हे माँ माता दी, ये दुकान है या गोदाम? मर्डर का अड्डा लगता है। आया देवा, दीवार भी पेंट नहीं करवाई। हे यू लुक ब्यूटीफुल। लड़कियों वाले कपड़े, इस फोटोग्राफर ने तो नचनियों वाले शौक पाल रखे हैं। सोच रहा हूँ 2000 मम्मी के लिए ले जाता हूँ। ओए तेरा बाप खरीद के गया था क्या? अबे ओए तू कपड़ों में चिट्ठी भी छुपाता है? लिखा है धन्नो धोबी घाट के कपड़े, चुराने वालों को धन्नो धो धो के पीटती है। लगता है मैं पकड़ा गया। धोबी घाट के कपड़े चुराए तूने? अपुन ने किसी धनिया पुदीना के कपड़े नहीं चुराए हैं। अबे ओ पुदीने, धन्नो बोल धन्नो, इस गांव की फेमस धोबन, एक नंबर कड़क इस्त्री करती है, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। पंटर लोग सुनो, धन्नो अपुन की सेटिंग है, वो अपने बाप के धोबी घाट से कपड़े चुरा के अपुन को देती है, तो इसमें अपुन की क्या गलती? तेरी धन्नो कहीं मेरी नर्स तो नहीं है ना? रुक चेक करके बताता हूँ। हाँ बे पार्ट टाइम नर्स का काम करती है अपुन की धन्नो, ज्यादा चूचा की ना तो चीर फाड़ के रख देगी। क्या धन्नो मर्डर भी करती है? बेचारी अपुन की धन्नो पहले कम खोपड़ी वाले हरामी डॉक्टर के पास काम करती थी। वो पागल डॉक्टर यही आदमी है, पकड़ के पीट डालो अंकल। तूने मुझे फिर से अंकल बोला? पिद्दी आज छोड़ दिया है, कल फोड़ दूंगा। मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है तो मैं चलता हूँ, गली के बच्चों से वसूली करने का टाइम आ गया। अबे ओ नंदू नाई, तेरी तो खोपड़ी फोड़ दूंगा लेकिन तेरा हिसाब अभी बाकी है। कहाँ गया? अच्छा बेटे छुपने की कोशिश, अपुन की गर्लफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगा ना तो गोली मार दूंगा, समझ गए या समझाए? कौन है इधर? लड़कियों जल्दी से एक चुम्मा दो, वो भी अभी के अभी। चुम्मा चाटी? कोई है? कुछ नहीं है। आंखें फाड़ फाड़ के स्कैनिंग कर लो अपुन की दुकान की, फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। वो तो बेटा हम कर ही लेंगे, किस फकीर जन की दुकान में आ गए, 2-4 रुपए भी नहीं गले में। क्या क्या है, मकड़ी का जाला? और तेरी पैंट भी, ये युंगी अंकल की फोटो लालटेन के साथ क्या कर रही है, कुछ तो गोलमाल है। अबे ओ चूहे के पिल्ले, कितनी बार कहूँ अपुन तेरा अंकल नहीं होने वाला जीजा हूँ। अंकल कुछ कहा क्या? साले कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन आदत से मजबूर हूँ, कुछ कह दिया ना बेटे तो तेरी बहन मेरे सर के बाल नोच नोच के मुझे गंजा कर देगी। नाड़े की शक्ल तेरी, आया बड़ा जीजा बनने वाला है। ओ भाई मारो रे मेरे को मारो, वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए, खुद पजामे की शक्ल वाला मेरे को नाड़ा बोल रहा है। युंगी आज तो तेरी पुंगी बच के रहेगी, दाल में कुछ तो काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये फोटो लाची बुलाला गांव की है? हे भगवान तू गुटखा खाता है? अकल के अंधे, ये गुटखा नहीं मोमोज की चटनी है। नहीं ये पान की पिचकारी है, और तू अभी भी पान चबा रहा है ना, तेरे मुंह में पान है ना। अपुन क्या तुझे पान ठूसने वाला लगता है? लल्लू कहीं का। अंकल ये लल्लू क्या होता है बता दो। ये धन्ना सेठ तो एक नंबर का चालू निकला, हम लोगों से ये लेटर छुपा रहा था। क्यों बे धनिया सेठ, हम लोगों
लोगों से गद्दारी, काट के गंगा जी में बहा देंगे। हमें वो आगे कि तुम गरीब को पढ़ना नहीं आता है, लॉलीपॉप हटा बे। हैं? What is this? Notebook? बस अपुन को तो पढ़ना ही नहीं आता है। अब क्या करूं? हाँ, इन गरीबों से पूछ के देखता हूँ। सुन भाई, तेरे को पढ़ना आता है? तुमसे यही उम्मीद थी गरीब लोग। इस लेटर में तो खूनी दरिंदा सीरियल के बारे में लिख रखा है। पक्का यही सीरियल देख देख कर अपराधी ने खून करना सीखा होगा। टीवी जैसी कीमती चीज किसी अमीर आदमी के घर में हो सकती है, और यहाँ सिर्फ एक ही अमीर है, वो है सेठ धन्ना लाल। क्योंकि मेरे घर तो LED है, वो भी 50 इंच का। मेरे पास कोई टीवी भी नहीं है, मैं तो माफी 420 में सीरियल देखता हूँ। गरीब सेठ है तू। ए झूठा सेठ, कितने पैसे हैं तुम्हारे बटुए में? सब निकाल जल्दी, लॉलीपॉप खाना है मुझे। कुछ नहीं है, मैं तो तुझसे भी बड़ा भिखारी हूँ। काहे का सेठ है तू? सिर्फ शक्ल से अमीर हूँ। तूने वसूली का धंधा फिर से शुरू कर दिया। तू भी हफ्ता निकाल। बेटा पुलिस आती होगी, जेल में डलवा दूंगा। गले में खराश हो गई है, सिगरेट है क्या? अबे ये कैसा नाम है? डॉन की दुकान। पुलिस तो नाम सुन के ही पकड़ लेगी। कहीं ये गुंडों का अड्डा तो नहीं है ना? ये है JK द डॉन, अपुन की गेम की दुनिया, और अपुन इस दुनिया का बादशाह है। सब ध्यान से, कुछ चीज टूटा या फूटा तो मैं उसे तोड़ फोड़ के रख दूंगा। किसी को कंगाल बनना है तो स्वागत है, अपुन यहाँ पे जुआ सट्टा पबजी तीन पत्ती सब दो नंबर का धंधा करता है। बिना लाइसेंस के इलीगल धंधा करता है, ये बात तो पुलिस को बतानी ही पड़ेगी। ये सारी डिटेल मैंने अपनी इस नोटबुक में लिख ली है, अब तुझे फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। अबे डेढ़ शाने, अपुन से पंगा लिया तो गोली से उड़ा दूंगा। अबे ओ झिंगूर, तूने अपुन के धंधे के बारे में पुलिस को बताया तो तेरे लाल गालों पर मेरे हाथों का गर्मा गर्म चाटा होगा। बताऊंगा क्या कर लेगा। क्या चल रही है सब? मुझे धमकी देगा तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। अपनी कीमत बोल, मैं बिकाऊ नहीं हूँ तेरी तरह। अबे शर्मा मत, तू अपुन को बचाएगा, अपुन तेरे को माला माल कर देगा। इतना पैसा तूने जिंदगी में नहीं देखा होगा। सौदा अच्छे 2 करोड़ मांग ले। अच्छा ठीक है, बैठ के सोचते हैं। तो तूने सोच लिया कि पैसे चाहिए या मेरा मुक्का? पैसे चाहिए डांसर जी, तो 2 करोड़ में से सेल, इनकम, एंटरटेनमेंट, सड़क, फलाना ढिमकाना टैक्स लगा के तुम्हें मिलते हैं 2000 रुपए। सिर्फ 2000 रुपए? अयो देवा, सारी अलमारी खाली ही रखनी थी तो बनाई ही क्यों? लो ये भी खाली है। किसी ने इस टेबल के नीचे च्युइंगम तो नहीं चिपकाई ना? क्यों, उस च्युइंगम में चीनी डाल के खाएगा तू, बेवकूफ कहीं का। फालतू में अपुन पे शक नहीं करने का, वरना अपुन सबको एक एक करके धोड़ा लेगा। तू ही गुंडा है, मैं अपने प्यागे ना सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। चल निकाल के दिखा, देखते किसने कितना है दम। क्यों निकल गई हेकड़ी? कहाँ जा रहा है बे? चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। A for apple, B for बड़ा apple, C for छोटा apple, D for 2 apple। Oh my God! थोर के हथौड़े पे खून। पक्का अपराधी ने इसी से लाल टेम का मर्डर किया होगा। सबूत की फोटो तो खींच लूं। ये थोर नहीं, लकड़ी का हथौड़ा है। पक्का इस दुकान वाले ने खून किया है। हे भगवान, 2 लीटर खून बाहर डाला। मेरा मूंगफली से भी छोटा दिमाग कह रहा है कि ये मर्डर पक्का किसी बॉडी बिल्डर ने किया है, वरना कोई आम आदमी इस हथौड़े को उठा नहीं सकता। तो तू सीधा मुंह पे क्यों नहीं बोलता कि वो कोई जानवर है, और वो ये 2 कौड़ी का डॉन है जो तेरी वाट लगाने वाला है। सुन बे, अपुन ने कोई मर्डर नहीं किया है, जो कुछ कर्म कांड हुआ है वो इस छोटे चूजे ने किया है। अंकल आप मुझे फंसा रहे हो, हा? तुम सबको भी लगता है मैंने खून किया होगा? लालटेन जितनी तो मेरी हाइट है, मैंने कैसे फोड़ी होगी लालटेन? कूद कूद के फोड़ी होगी,
हाँ, इसकी पिद्दी ने फोड़ी होगी, पकड़ो इसको। अबे ओ धोखोड़ी के डॉन अंकल, तुझे तो मैं देख लूंगा, तू मुझे बाहर मिल। गली के बच्चों से नहीं पिटवाया ना, तो मेरा नाम मोची नहीं। ऐ, ये मोची लोची पोची गया सब भाड़ में, अपुन पे कोई शक नहीं करेगा, अपुन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र है। गंगा जल है? हाँ बे नीले कौवे, गंगा जल। ओ भाई शांत हो जा शांत, इस पेप्सी की ढक्कन की वजह से गली की सारी लड़कियाँ अपुन को राखी बांधने के लिए मरी जा रही है। सैया बनना चाहता था, भैया बना दिया है। अपुन अपनी जान किस तरह बचा के भागा है ये सिर्फ अपुन ही जानता है। पुत्र शांति शांति। शांति तो इसके साथ भाग गई, मुंह में लॉलीपॉप ठूस दूंगा। हाँ तो ठूस, थप्पड़ भी कस के लगेगा। युंगी ठूस दूं क्या? ए डॉन, मेरे मोची के बारे में एक शब्द नहीं। अच्छा ठीक है, पांच शब्द बोल लूंगा। गलती से कभी दो चार लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं। आज तो बच गया, आगे से ध्यान रखियो। अपुन की तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी बेइज्जती करके चला जाता है। अपुन से भी ज्यादा हैंडसम ये छोकरा कौन है? कोई पापड़ बना के चला गया इसका। बीड़ी का बंडल इस बिल में किसने छुपा के रखा? अरे कितना गंदा है ये, लिखा है मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फालतू की शायरियाँ लिख रखी है, चलो ढूंढते इस बर्बाद आदमी को। इतनी छोटी कुर्सी, हे सब इधर आ जाओ, मुझे सबूत मिल गया, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था। क्या लिखा है इसमें, जल्दी पढ़। लिखा है मेरा 500 का उधार चुका दो, वरना वसूली करना तो मुझे भी आता है। लगता है इसके पैसे लेके भाग गया कोई बेचारा। हाँ, लेकिन इतना पैसा हो किसके पास सकता है? अपुन को सेठ धन्ना लाल पे शक है, यही गरीबों को पैसा मार मार के उन्हें कंगाल करता है। कल ही मैंने इसे 10 रुपए की चाय पिलाई जिसका पैसा इसने आज तक नहीं दिया। अरे भाई कभी हमें भी बुलाओ चाय पीने। हम क्या पराए हैं, तुम कहो तो बिस्किट भी घर से ले आएंगे। अरे ये कितनी गंदी चप्पल किसकी है? तुझे ये चप्पल इतनी ही गंदी लगती है तो तूने हाथ में क्यों पकड़ी है? आया बड़ा मेरी चप्पल को गंदी बोलने वाला। यही चप्पल पहन के अपराधी ने लालटेन का मर्डर किया है। आंखें फाड़ फाड़ के स्कैनिंग कर लेता हूँ। हाँ ये तो वही चप्पल है। ए चलो चलो, अब सेठ धन्ना लाल के घर पे छापा मारना है, देखते हैं इसके घर में क्या कीमती चीजें मिलती हैं। कुछ अच्छी और महंगी चीजें मिल गई तो मैं तो चुरा